नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। दिखा रहे हैं शक्ति बढ़कर, इसलिए आज हम आपको सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मदरसा शिक्षक दिल्ली की जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 33 माह से वेतन नहीं मिला है। आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जो 33 माह से सरकार ने वेतन नहीं दिया है। और आपको सबसे बड़ी एक खबर हम और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी संख्या उपस्थित है। आज अल्पसंख्यक दिवस है, अल्पसंख्यक दिवस है। आज के दिन अल्पसंख्यकों को बताया जाता है कि आज आपको ये सुविधाएं चल रही है, पर ये सब सुविधाएं सरकार कागजों को दे रही है। तो आइए यहाँ पर सिकंदर बाबा से बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कत है जो यहाँ पर धरना देना पड़ा, और सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार से हम चाहते क्या है भाई साहब, हम चाहते ये है जो हमारे टीचरों का 3 साल से 4 साल से 4.5 साल से जिनका भी मानदेय बताया है वो मानदेय हमको दे दिया जाए। हम लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, किसी की ना शादी में जा सकते हैं, ना किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, ना कपड़े के लिए पैसे हैं, ना किराए के लिए पैसे हैं। बस मैं मेहनत करता हूँ, मेरा पैसा मुझको दे दीजिए और देने के बाद अपनी स्कीम अपने जेब में रख लीजिए। मैं किस कोई भी मतलब सभी से कह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं, भारत सरकार से भी कह रहे हैं, यहाँ कोई कागज एक से एक जाँच करवा लिए। कोई कभी पोर्टल की जाँच आ रही है, कहीं त्रिस्तरीय कौन जाँच आ रही है, कहीं कौन जाँच आ रही है, सारी अरे जिले में जिला अधिकारी से बड़ी कोई जांच होती है वो भी जांच हो गई। उसके बाद में एक फुटबॉल पे लात मारते हैं भारत सरकार से, वो गेंद चली जाती है यूपी गवर्नमेंट के पास, फिर उधर से मारते इधर। ये गेंद नहीं मारे, ये अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हम लोगों को पैसा नहीं देना चाहते, ये केवल भेदभाव भाजपा सरकार कर रही है। और रही बात योगी जी की, तो ये भी बता दे रहे उनके कोई औलाद ही नहीं है, ना ही मोदी जी को औलाद है, इसलिए उनको दर्द नहीं होगा। दर्द हमको होगा, हमारी औलाद है। 4-4, 5-5 महीने का उनका हम पैसा बकाया है, ट्यूशन का, स्कूल का, बीबी से लड़ाई झगड़ा होता है, किसे लड़ाई करें। अरे सरकार में बैठे हो, कोई जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री नहीं बन गए हो, अरे वो काट के फेंक देंगे, हमारा भी दौर आएगा। इसलिए मेरा पैसा, हमारे साथियों का पैसा, खून पसीने की कमाई जल्द से जल्द जारी करो, वरना जितने भी हमारे, ये यूपी का मसला नहीं है, ये मैं पूरे भारतवर्ष में 17 राज्यों में हमारी स्कीम चलती है। एक एक राज्य में जाके पूरे राज्य में विरोध करेंगे हम भाजपा सरकार का। अभी 5 राज्यों में गए हो, सूखड़ा साफ हुआ है, हम पूरे हिंदुस्तान से सूखड़ा साफ कर देंगे। हमारा दिल भर रहा, हमारा पैसा बाकी है, हमको हमारा पैसा तो हम कुछ नहीं आते। तो इनका कहना है अगर हमको समय से वेतन नहीं मिलता है तो और राज्यों से सरकार चली गई है, तो हम यहाँ यूपी से भी इनकी सरकार चली जाएगी, इन टीचरों का ये कहना है। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद फैज अंसारी है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और आज जो अल्पसंख्यक दिवस है उसको हम धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए कि जो भारत सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए जो योजनाएं दी थी वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। आज मदरसा शिक्षकों को, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के ये हालात है कि वो आज दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पर खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने वेतन को लेकर, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि समाज की मुख्य धारा से उसको जोड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो पूरे 5 साल हो गए हैं, उसने एक फूटी फोड़ी भी मदरसा शिक्षकों को नहीं दी। यहाँ धरना कब तक चलेगा? जी आज शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन चलेगा ये, और अपनी मांगों को लेकर ही धरना चल रहा है वेतन के लिए। इससे पहले भी धरना दिया जा चुका है? जी इससे पहले 5 सितम्बर को धरना प्रदर्शन हुआ था, जो हमारा 1 वर्ष का पैसा था वो रिलीज किया था, लेकिन वो रिलीज तो कर दिया, लेकिन वो शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है जी, आश्वासन इसके अलावा हर बार, लेकिन ये आश्वासन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब अल्पसंख्यक जागरूक हैं और उन्हें 2019 के इलेक्शन में ये सबक सिखाएंगे। मैं मंडल अध्यक्ष सलामी मदरसा शिक्षक से, और 5 सितंबर में हमने धरना दिया था शिक्षक दिवस पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षक दिवस को सरकार ने शिक्षक दिवस बना दिया, अल्पसंख्यक दिवस को धिक्कार दिवस बना दिया, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुगड़ा पार्टी बन गई, और 5 राज्यों में उसे सबक मिल गया, फिर भी ऐसा सरकार पता नहीं क्यों इतना अंधविश्वास कर रही है। सरकार 35 महीने से समझाई नहीं दे रही है, अब इससे ज्यादा और अंदाजे लगते हैं। अब बारी मोदी जी की है, चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या करा है वो चीज भी हम सामने आ गई, अब तक उनकी बात। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर उपस्थित है शिक्षक यहाँ पर।
जिसमें आपके साथ आपकी तीन नस्लें जुड़ी हुई हैं, आपके माता आपकी औलाद और आपका मतलब। जब आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी औलाद को क्या पढ़ाओगे? और जिस माँ बाप ने हमें पढ़ा के आगे बढ़ाया कि मेरा बेटा पढ़ के नौकरी करेगा, नौकरी करके आगे कमाएगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, आप बेटा नौकरी करने का सहारा बन पा रहे हैं। का कहना है अगर हमारा वेतन नहीं जारी होता है तो सरकार हम गिरा देंगे। यहाँ पर यूपी में सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी। बीजेपी सरकार ने आने से पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, पर ये झूठे और जुमलेबाजी सरकार कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षक दिवस है, यहाँ पर बहुत ही तादाद में महिलाएं और पुरुष सभी धरने में उपस्थित है। आज अल्पसंख्यक दिवस है, अल्पसंख्यक दिवस के बताया जाता है कि आपको ये अधिकार है, आपको ये सुविधा दिए गए, पर ये जुमलेबाजी है। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।